जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉरपोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। गछिया के सिमरा शिव मंदिर की संध्या आरती में शामिल हुए समाज सेवी सुरेंद्र कुमार सुमन, संबोधित किया। नवगछिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में स्थित सिमरा चौक के समीप स्थित शिव मंदिर की संध्या आरती में नवगछिया नगर परिषद के सभापति पद के उम्मीदवार खुशबू कुमारी के पति, समाज सेवी सेवानिवृत्त एयरफोर्स के जवान, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार सुमन संध्या आरती में शामिल हुए। वहीं उन्होंने आरती में संगत की एवं प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर सुरेंद्र कुमार सुमन ने संबोधित करते हुए कहा कि नवगछिया नगर परिषद की खूबसूरती उसकी सड़कें हैं। सिमरा आने जाने में काफी सड़कों की स्थिति नारकीय है। सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। खासकर नवगछिया NH31 प्रेसिडेंटी स्कूल के समीप से सिमरा आने के बीच में निरंतर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात हो या कोई और मौसम, वाहन चलने लायक सड़क नहीं। उन्होंने लोगों से, सिमरा के लोगों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि सबो का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से खुशबू कुमारी सभापति बनेंगी और स्वच्छ सुंदर नवगछिया के साथ साथ समृद्ध सिमरा गांव भी होगा। सिमरा गांव की खूबसूरती उसकी सड़कों से है, जिसे सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा। वही मौके पर सिमरा गांव के कई दर्जन लोग उपस्थित थे। बहुत अच्छा लगा, हमारे मंदिर में अभी आरती था, आरती में शामिल होके बहुत ही आनंद आया। हमने महादेव से प्रार्थना किए, हे ईश्वर इतनी शक्ति दो और सद्बुद्धि दो कि हम नवगछिया नगर वासी के लिए कहीं हम अपने जीवन काल का थोड़ा सा भी अंश देकर अपने आप को भाग्यशाली समझे। इस तरह का विकास जीतने के बाद आप यहाँ कीजिएगा? सबसे पहले तो अभी हम अपने स्कूल प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल से जब होके आए हैं, ये रसलपुर के पीछे वाला एरिया है, कोई भी अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक् ति एक बार प्रेसिडेंसी स्कूल से होते हुए सिमरा आ जाए, पता चल जाएगा विकास कितना है, पता चल जाएगा कि ये नगर है कि नरक। ये नवगछिया नगरवासी को पता चल जाएगा कि नवगछिया नगर है कि नरक। प्योर हमको जब रास्ता से आए, ये बिल्कुल लगता है कि नरक। रंगरा प्रखंड प्रमुख के पिता की ट्रेन से कटकर मौत। गुरुवार की देर शाम तकरीबन 5 बजे के करीब रंगरा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव के पिता एवं सदवा चापर पंचायत की वर्तमान मुखिया मंजू देवी के पति कार्यलाल यादव 60 वर्ष की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना कटिहार बरौनी रेलखंड के चापर ढाला के समीप की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सदवा चापर पंचायत के हजारों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और 1 घंटे तक आक्रोश व्यक्त किया। पटरी पर शव रहने के कारण 1 घंटे तक अप एंड डाउन गाड़ियों का परिचालन बाधित रहने की सूचना है। घटना के बाद पूरे पंचायत सहित आसपास के गांव का माहौल गमगीन हो गया। बड़ी संख्या में लोग प्रखंड प्रमुख के घर पर पहुंचने लगे। मृतक की पत्नी एवं पंचायत की मुखिया मंजू देवी सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में परिजनों को संतावना देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। पूर्व सांसद भाजपा नेता अनिल यादव ने प्रखंड प्रमुख व उनके परिजनों से मिलकर उन्हें संतावना दी है। रंगरा प्रमुख के पिता के असामयिक निधन पर व्यक्त किया शोक। गुरुवार की देर शाम रंगरा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोतू यादव के पिता एवं सदवा चापर पंचायत की मुखिया मंजू देवी के पति कार्यलाल यादव के ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के अलावे आम लोगों ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
TMBU के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार विजेता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है और हम लोगों ने अपने अभिभावक को खो दिया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद अनिल यादव, रंगरा प्रखंड उप प्रमुख दिवाकर सिंह, पूर्व प्रमुख विजय यादव, पूर्व प्रमुख प्रवीण कुमार, पंकज उर्फ पवन यादव, लोजपा के जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान, लोजपा महासचिव अनीता कुमारी, पूर्व मुखिया रघुवंश प्रसाद सिंह राकेश आदि ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ACMO ने किया नौगछी अनुमंडल का निरीक्षण। टीवी सेंटर पर कर्मी थे अनुपस्थित। बात आई सामने, दिन के 11 बजे आते हैं और 13 बजे चले जाते हैं। भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की ACMO डॉक्टर अंजना कुमारी ने गुरुवार को नौगछी अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने PHC कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा परिवार नियोजन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के PHC प्रभारी और प्रबंधन को निर्देशित किया। उन्होंने आगामी परिवार नियोजन पखवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। ACMO टीवी सेंटर पर भी गई, जहां एक कर्मी अनुपस्थित पाया गया, जबकि बात सामने आई कि टीवी सेंटर के अधिकांश कर्मी रोजाना दिन के 11 बजे आते हैं और 13 बजे ही चले जाते हैं। ACMO ने अनुपस्थित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछे जाने की बात कही। अस्पताल की सुविधाओं को लेकर ACMO ने अस्पताल के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक किया। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता पर अधिक बल दिया और अस्पताल से संबंधित लोगों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित करें कि जो भी रोगी यहां आए वह पूरा पूरा दवाई लेकर यहां से जाएं। किसी भी प्रकार की दवाई लोगों को बाजार से नहीं खरीदना पड़े। उन्होंने सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को संजीदगी से कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार, PHC प्रभारी डॉक्टर बी दास, डॉक्टर बीबी मंडल, अस्पताल प्रमर्सी अजय कुमार सिंह, परवीन जगन्नाथ, सोनू कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे। इस्माइलपुर पुरानी दुर्गा मंदिर घाट पर किया गया गंगा आरती का आयोजन। शामिल हुए पूर्व सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ किए गए सेवा पखवाड़ा अंतर्गत गुरुवार को इस्माइलपुर प्रखंड के पुरानी दुर्गा मंदिर के सामने गंगा घाट पर गंगा आरती किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद भाजपा नेता अनिल यादव, मुखिया प्रतिनिधि अनिल पौदार, इस्माइलपुर प्रखंड के नेहरू युवा क्लब के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक मधुरंजन कुमार, नमामि गंगे उमाकांत यादव, विधान चंद्र राय, भगवान प्रसाद यादव, सुबोध यादव, अशोक यादव, मिथिलेश कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे। नौगछा स्टेशन से प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हुए लोजपा रामविलास कार्यकर्ता। राजगीर में होने वाले लोजपा रामविलास पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए बुधवार को देर रात बड़ी संख्या में कार्यकर्ता केपिल एक्सप्रेस से रवाना हुए। इस अवसर पर लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव सुरेश भगत ने कहा कि जनता सभी पार्टियों को देख चुकी है, ऐसी स्थिति में लोजपा रामविलास पार्टी में ही बिहार का नव निर्माण करेगी। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सुरेश भगत, जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान भी मौजूद थे। जन जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। गुरुवार को कुंभरकाली मंदिर धर्मपुर रती जयरामपुर पंचायत में जन जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का जयरामपुर गांव के ग्रामीणों एवं समर्थकों सहित कार्यकर्ताओं ने कुंभरकाली मंदिर में राष्ट्रीय जन जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयरामपुर गांव में स्वागत किया। इस अवसर पर गोपालपुर 20 के पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, महासचिव अंकित कुमार चौधरी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुधांशु भारद्वाज सहित अन्य भी थे। जिलाध्यक्ष की पत्नी का देहांत होने के बाद शोक व्यक्त करने नौगछा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो। जन अधिकार पार्टी के नौगछा जिलाध्यक्ष अंशु कुमार उर्फ चिंटू यादव की पत्नी के असामयिक निधन के बाद पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव गुरुवार को नौगछा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पीड़ित परिवार को संतावना दी और दुख की घड़ी में धैर्य से रखने की सलाह दी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पहाड़ी बाबा अंशु कुमार उर्फ चिंटू यादव, अजीत कुमार, विकास कुशवाहा, ओम प्रकाश यादव, गौरव आनंद समेत अन्य भी मौजूद थे।
आधार सीडिंग में अच्छा काम करने वाले कर्मी हुए सम्मानित। आधार सीडिंग में अच्छा काम करने वाले कर्मी को नौगछिया प्रखंड मुख्यालय में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में बताया गया है कि मध्य विद्यालय घुस की टोला में प्रधान अध्यापक BLO गोपाल प्रसाद शर्मा ने अपने क्षेत्र में 97% आधार सीडिंग का कार्य किया है। उन्हें मौके पर ही पुरस्कृत किया गया और अन्य कर्मियों को श्री शर्मा से प्रेरित होकर उक्त कार्य में लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुश्री चंदा भारती समेत अन्य कर्मी भी मौजूद थे। मदरोनी सोहरा NH 31 पर सड़क दुर्घटना में किशोरी घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के मदरोनी सोहरा गांव के पास NH 31 पर एक ऑटो टेम्पो के धक्के से सोहरा निवासी मिथुन कुमार की पुत्री 5 वर्षीय पुत्री सुगंधी कुमारी घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी मिली है कि सड़क पार करने के क्रम में वह एक अज्ञात ऑटो की चपेट में आ गई। तेतरी गुदड़िया स्थान के पास अज्ञात शव बरामद। शिनाख्त का प्रयास कर रही है नौगछिया पुलिस। नौगछिया के तेतरी गुदड़िया स्थान के पास गुरुवार को एक अज्ञात 55 वर्षीय शख्स का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। नौगछिया पुलिस ने बताया कि अधेड़ का शव 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा। अगर इस बीच शिनाख्त करने वाला कोई नहीं आया तो शव का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। पुलिस ने शव का शिनाख्त करने के लिए आसपास के थानों में वायरलेस किया और सोशल मीडिया में मृतक की तस्वीर को भी वायरल किया है। नौगछिया थाने के दरोगा राजदेव प्रसाद रमन के अनुसार आशंका है कि उक्त शख्स की मृत्यु बीमारी की वजह से हो गई है। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि पुलिस शव के शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। झल्लूदास टोला से 12 लीटर महुआ शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के झल्लूदास टोला से 12 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी झल्लूदास टोला निवासी बुधो मंडल है, जबकि दूसरी तरफ रंगरा पुलिस ने सिमरिया गांव से फरार वारंटी 36 मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया के कदवा पुलिस ने मिलन चौक से 9 लीटर देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में गोला टोला कदवा निवासी मंटू सिंह और आमोद कुमार है। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं, जबकि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नौगछिया के कदवा ओपी पुलिस ने शराब के नशे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी खैरपुर पंचायत टोला निवासी पवन कुमार है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया है, जबकि मामले की प्राथमिकी कदवा ओपी थाने में दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वही नौगछिया पुलिस ने NH 31 0 माइल से शराब के नशे में तुलसीपुर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नागमणि कुमार है। पुलिस ने 0 माइल में अनगरल प्रलाप करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया था। जब नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में मदिरापन किए जाने की पुष्टि की गई तो पुलिस ने उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी को घोषित किया। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। परवता पुलिस ने टोल प्लाजा कर्मी से हुए मोटरसाइकिल लूटकांड मामले में 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। टोल प्लाजा कर्मी के साथ 14 सितंबर को खगड़ा के केसरी नंदन ढाबा के पास हुए मोटरसाइकिल लूट मामले में 4 आरोपियों को परवता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी चमुनिया निवासी मोहम्मद ताजीम, सूरज कुमार उर्फ मोनू कुमार उर्फ गोबरा, दुर्गेश कुमार, मोहम्मद मुस्तफा उर्फ मुस्तो है। मालूम हो कि 14 सितंबर को टोल प्लाजा कर्मी गौरीपुर निवासी शैलेश कुमार की पल्सर मोटरसाइकिल अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूट लिया था। घटना के 2 दिन बाद परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने छापेमारी कर लूटी गई मोहम्मद ताजिम के आंगन से बरामद कर लिया था। उस वक्त ताजिम फरार हो गया था। जानकारी मिली है कि परबत्ता पुलिस ने इसी घटना के संदर्भ में जमुनिया गांव में छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। संगीन मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परबत्ता पुलिस ने संगीन मामले में फरार चल रहे आरोपी जमुनिया निवासी मोहम्मद जाहिद उर्फ डीलर को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी परवता थाना कांड संख्या 115 वर्ष 2022 के मामले में आरोपी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छोटी परवता गांव से नली गली योजना की राशि गबन करने के मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्ष 2019 में नली गली योजना की राशि गबन करने के मामले में इस्माइलपुर थाना पुलिस ने छोटी परवता निवासी पल्लवी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि उक्त मामले में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपी कांड की प्राथमिकी अभियुक्त है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शादी की नियत से अपहरित लड़की बरामद। खरीक थाना क्षेत्र के अटगामा से शादी की नियत से अपहरित लड़की को खरीक पुलिस ने बरामद कर लिया है। खरीक थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय सीकून में पदस्थापित शिक्षक मनु कुमार रजक ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत किया है कि होमगार्ड अभ्यर्थी अजय कुमार मेहता ने फर्जी प्रमाण पत्र को वैध कराने का दबाव बना रहा है। बात नहीं माना तो अजय कुमार मेहता और उसके भाइयों ने जान मारने की धमकी दी है। इस संदर्भ में शिक्षक ने अनुसूचित जाति जनजाति थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख को दी है। पदाधिकारियों को दिए आवेदन में शिक्षक ने बताया है कि अब उसे विद्यालय जाने में डर लगता है, इसीलिए उसे किसी अन्यत्र विद्यालय में प्रनियुक्त किया जाए। बीपुर में चार वारंटी गिरफ्तार। बीपुर थाना पुलिस ने नौगछ एसपी सुशांत सिंह सरोज के निर्देश पर सोमवार की रात समकालीन अभियान चलाया। बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि सुनील रजक, शंकर रजक, मोहम्मद रोशन मिराचक एवं अमरपुर से प्रवीण यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नारायणपुर प्रखंड के बीरबना चौक के आगे बाइक के धक्के से साइकिल सवार बलाहा निवासी फैसल कुमार जख्मी हो गया, जिसे ग्रामीण मोहम्मद जावेद ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां की उनका उपचार चल रहा है। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया, बाइक के धक्के से युवक दूर फेंका गया और युवक साइकिल समेत ट्रक के चपेट में आ गया। युवक का उपचार चल रहा है। नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में कुछ दिनों से खराब चल रहे ट्रांसफार्मर बदल कर नया ट्रांसफार्मर लगने से किसानों में खुशी का ठिकाना नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार सचिव प्रमोद कुमार ने कहा कि ट्रांसफार्मर लगने से अब किसानों का समस्या दूर हो जाएगा। इनके लिए कन्नी अभियंता नौगछिया व नारायणपुर जेई विकास कुमार को धन्यवाद कहा। जेई विकास कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी जैसे ही हम लोग को मिला, हम लोग तुरंत उस ट्रांसफार्मर बदल कर नया ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किए। नारायणपुर प्रखंड के मधेपुरा बाजार में गुरुवार की संध्या शराब पीकर मोबाइल से फोटो खींचकर छेड़खानी करते हुए युवक को लोगों ने पकड़कर भवानीपुर पुलिस के हवाले किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया, युवक को कल न्यायिक हिरासत में भागलपुर भेजा जाएगा। नारायणपुर के भवानीपुर थाना में माइक्रो फाइनेंस के आशीर्वाद बैंक से लोन लेकर वापस नहीं कर रहे युवक पर कर्मचारी सुमित कुमार ने ग्राम जपतेली थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा निवासी गोविंद कुमार के ऊपर प्राथमिक दर्ज करवाया। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया, कर्मचारी के द्वारा पूरा डिटेल लेकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।